नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। सेवक प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा शहर की निजी होटल में 3 दिन के लिए 12वां सेवक सेमिनार आयोजित करवाया गया है, जिसके तहत विभिन्न बीमारियों का निशुल्क निदान किया जा रहा है। सेवक प्रोजेक्ट की ओर से गुजरात, तमिलनाडु, बिहार और ओडिशा में तकरीबन 250 से ज़्यादा गांव में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एनीमिया जैसी बीमारियों का निशुल्क निदान किया जाता है। तकरीबन अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का सर्वे हो चुका है। 2010 से सेवक प्रोजेक्ट को शुरू करवाया गया था और अब इस प्रोजेक्ट ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में 12वां सेवक सेमिनार वडोदरा शहर में 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है, जिसके तहत वडोदरा की एक निजी होटल में विभिन्न डॉक्टर्स की ओर से सेवकों को तालीम दी जा रही है। आपको बता दें कि इस सेमिनार के तहत लोगों का निशुल्क निदान होगा। आज है ना, आज सेवक प्रोजेक्ट से ले सेमिनार छे 4 दिवस नो आना पहला दवा सेवकों की ट्रेनिंग थी। તો આ સેવક પ્રોજેક્ટમાં અમે રિફ્રેશર ટ્રેનિંગ આપીએ દર વર્ષે સેવકોને, નવા અને જૂના બધા ભેગા કરીને, અને રિફ્રેશર ટ્રેનિંગમાં શું કે એમને ગામના લોકો સવાલો પૂછે કે આ કેવી રીતના કરવાનું, તો એની માહિતી આપે અને એમને રિફર કરે પ્રોપરલી। કારણ કે શું થાય, આ બધા સેવકો ઘરે ઘરે જઈને બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસનું ચેકિંગ કરતા હોય તો લોકો બીજા પણ ક્વેશ્ચન પૂછે, તો અમારો હેતુ એવો કે બધાને ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ, જેથી બધાએ ગામ લોકોનો ફાયદો થાય, એમની હેલ્થ સુધરે અને અવેરનેસ વધારે આવે, જાગૃતિ વધારે આવે। તો આ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસનું સ્ક્રીનિંગ કરે છે, તેનાથી ખૂબ જાગૃતિ થઈ છે। આમાં કેટલા લોકો જોડાયા? 60 સેવકો છે અમારે, એટલે લગભગ 1 લાખ લોકોને કવર કરે, અને આ સેવકો છે તે લગભગ 200 ગામ જેટલા કવર કરે છે, અને તે ગુજરાતમાં, બિહારમાં, તમિલનાડુ અને ઓડિશામાં। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।